अरे यार कैसे गाड़ी पार्क करते हो? अरे तू अंदर आ लेके बाहर जा रहे ले। चलो ना। अरे क्या कर रहे हो? अब क्या कर रहे ले? तू तो गुजर ले अंदर, रेडियो चोरी करने का क्या? ए बचाओ! अरे बचाओ! अरे बचाओ! अरे वास्तव में अरे क्या बचाओ बचाओ चिल्ला रहे ले? इज्जत लूट रहे तेरी, पुलिस पुलिस चिल्लाने का। तुमको मालूम है मैं कौन हूँ? नहीं मालूम है, कौन है? जीएस गायतोंडे, डिप्टी चीफ इंजीनियर महानगर पालिका। क्या रे म्युनिसिपैलिटी, इतना बड़ा आदमी हो के एक रेडियो के लिए मगज मारी? ए, ए, क्या है, कौन हो तुम लोग, क्या चाहिए? क्या तेरा दुकान बंद कर दूं क्या? तेरा ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल कर दूं? एक गोली इसके अंदर क्या? तू जितनी बार सवाल पूछेगा ना उतनी बार अपन घोड़ा दबाएगा, बोल। लेकिन मेरे को कहाँ ले जा रहे हो? पूछना पूछना, मजा आ रहा है भाई, किधर जाने के? अरे पागल हो गया क्या, सवाल क्यों पूछ रहा है? पूछना, समझ में आना? चले आलम लक्की सिंह ऑफिसर, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ये करेक्ट है। ओए फोटो स्टूडियो, नीचे लिख मिस्टर लक्की सिंह, प्रेसिडेंट मुंबई बिल्डर एसोसिएशन, इन सीरियस टॉकिंग विद मिस्टर जॉर्ज बुश, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। पर सर जी, आप तो कभी अमेरिका गए नहीं। जॉर्ज बुश तो इंडिया आया होगा। एक काम कर, पीछे से व्हाइट हाउस हटा दे, अपनी फार्म हाउस लगा दे। तेरी मां ने तेरे को कॉमन सेंस नहीं सिखाया था? सर्किट माय डियर, दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। तो आजकल मेरा फोन नहीं उठाता है। वो अभी लगाओ ना, उठाएगा। सर्किट यू आर रॉकिंग। एक बार को साइड ले। हाँ जी। देखिए देखो, मैं तुम्हारा कोई काम नहीं कर सकता। क्यों? पिछली बार 8 माली की परमिशन ली थी और 11 माली की बिल्डिंग बना थी। अरे बनते बनते बन गई यार, अपनी गिनती बचपन से ही कमजोर है। मेरी नौकरी जाएगी तुम्हारे इस चक्कर में। अच्छा यार, तेरी 10,000 की नौकरी। पुराना बिल्डर का नाम सुना है? हाँ। मेरी लड़की का रिश्ता हुआ है वहां, कुकु वो नक्शा दिखा। हाँ जी। ये वर्सोवा पंप हाउस के पीछे जो प्रॉपर्टी है, पूरी प्रॉपर्टी उन्होंने खरीद दी है, सिर्फ ये पीला बंगला नहीं मिल रहा है। मैंने कहा मैं दिलवा दूंगा, वेडिंग गिफ्ट समझो। वो बंगले पे तो लीज है 99 ईयर्स की, अगले महीने खत्म हो रही है। वो तो रिन्यू हो जाएगी। रिन्यूअल पेपर मत भेज, डिफॉल्ट करवा दे। नहीं 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 होगा। मैं कमिट कर चुका हूं, इज्जत का सवाल है तो बंगला मला पाजी का ढूंढे। जमना नहीं हो। ए वॉलेट है, ए बुलेट है, तू चूज कर। प्राइस बोलना यार। 10 10 बस, तू 20 ले ले यार। ओए 20,000 दे दे कुकू, नए नोट खुश। नहीं नहीं 10,00,000। 30,000। 9,00,000। 31। चलता हूं। ओए तेरे को मैं उठा के लाया हूं, पिस्तौल मेरे हाथ में, वो वहां जो बैठा है दिन में 2-4 हड्डियां तोड़ता है। तोड़े ले। थोड़ा तो डर यार। देखो लकी भाई, ना तेरा ना मेरा, बीच में 5,00,000। ये करेक्ट है, ना तेरा ना मेरा, बीच में 2,50,000। डील इज डन। इसका मुंह मीठा करा दे। हाँ जी। विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स। सर्किट, मुन्ना को खुशखबरी दे दे, एक बंगला खाली करवाना है। वो है किधर यार? भाई 9 से 12 काम नहीं करता है, लेट उठता है। भाई सोता किधर है आजकल? लव गले उसको, लव। अक्का दिन दरिया किनारे। बड़ा चीप लगता है यार, फ्लैट्स खाली पड़े हैं, यूज इट। अरे नहीं यार, ऐसा नहीं, उधर बैठ के वो रेडियो सुनता है। रेडियो? रेडियो पे क्या है? अपन की भाभी है रेडियो पे। गुड मॉर्निंग मुंबई, दिस इज जॉनवी ऑन वर्ल्ड स्पेस रेडियो। जाने से पहले ये है मेरा आज का ख्याल, उन सब के लिए जो दौड़े जा रहे हैं शहर में। शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है, अगर यही जीना है दोस्तों,
तो फिर मरना क्या है? पहले बारिश में ट्रेन लेट होने की फिक्र है, भूल गए भीगते हुए टहलना क्या है? सीरियल के किरदारों का सारा हाल है मालूम, पर माँ का हाल पूछने की फुर्सत कहाँ है? अब रेत पे नंगे पांव टहलते क्यों नहीं? 108 है चैनल, पर दिल बहलते क्यों नहीं? इंटरनेट पे दुनिया से तो टच में है, लेकिन पड़ोस में कौन रहता है जानते तक नहीं। मोबाइल, लैंडलाइन सबकी भरमार है, लेकिन जिगरी दोस्त तक पहुंचे ऐसे तार कहाँ है? कब डूबते हुए सूरज को देखा था याद है? कब जाना था शाम का गुजरना क्या है? तो दोस्तों, शहर की इस दौड़ में दौड़ के करना क्या है? वाह जानवी, अगर यही जीना है वाह, तो फिर मरना क्या है? सो गुड बाय मुंबई, मेरा बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है। बाय बाय जानवी, उम्मीद है आपसे कल फिर मुलाकात होगी। 100% यही पर, इधर इच, इसी समय, यही टाइम। फ्रेंड्स, टिल देन, डोंट वरी, बी हैप्पी, सायोनारा। और हाँ, याद रखना कल 2 अक्टूबर है, एंड वी आर हैविंग द महात्मा क्विज कॉन्टेस्ट। जो भी ये क्विज जीतेगा वो होगा मेरा स्पेशल गेस्ट। यस, उसे मैं स्टूडियो में इनवाइट करूंगी और उससे करूंगी ढेर सारी बातें। सो बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन टुमारो एट 9। बाय। ये सर्किट, ये 2 अक्टूबर क्या है? ड्राई डे है भाई, स्टॉक लेके रखने का क्या? ड्राई डे काय को? कोई आईडिया नहीं भाई, मैं पता लगा दूंगा, टेंशन क्या लेते? बर्थडे है भाई, 2 अक्टूबर का ना बापू का हैप्पी बर्थडे। किसका बापू? बापू बोले तो महात्मा गांधी। अरे वो नोट वाला? करेक्ट वो। और क्या मालूम है तेरे को उसके बारे में? भाई जास्ती नहीं मालूम है, बॉडी बीडी था नहीं उसका, लेकिन डेयरिंग बहुत था। हाँ। भाई अंग्रेज लोग की वाट लगा दी उसने। क्या? डर के भाग गए सब लोग, अपने को आजादी भी दिलाई। आर्मी में था क्या? भाई यूनिफॉर्म में कभी फोटो देखा नहीं, और नोट के ऊपर खाली क्लोजअप है ना। देख, कल ना रेडियो के ऊपर बापू के बारे में क्विज है। हाँ। अगर अपन वो क्विज जीतेगा ना तो जानवी से मिलने का चांस है यार। भाभी से? भाई समझो, हो गया हो गया हो गया। ये सर्किट। हाँ भाई। शर्ट कौन सा पहनू यार? भाई शर्ट का टेंशन नहीं है ना, रेडियो में शर्ट दिखता ही नहीं। अरे करेक्ट यार। भाई भाई अपना आवाज पे ध्यान दो भाई, आवाज पे। हाँ। आवाज में वजन होना चाहिए। हाँ। अभी भाभी को इम्प्रेस करने का ना, वजन। हाँ भाई वजन, बाकी अपन सब संभालेगा। हाँ। जानवी जी, मैं मुरली प्रसाद शर्मा बोल रहा हूँ। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? डरने का नहीं रे, सिंपल है एकदम। देख भाभी जी है ना, रेडियो पे है ना, बापू के बारे में सवाल पूछेंगे, तुम लोगों को जवाब देने का है कि नहीं? जितना करेक्ट जवाब देगा उतना प्राइज उठाने का। देखिए आप लोग ये ठीक नहीं कर रहे, मुझे कॉलेज जाने के लिए देर हो रही है। ये प्रोफेसर, तू कॉलेज जाएगा ना तो ये तेरे घर पे जाएगा तेरी वाइफ को हेलो बोलने के लिए। हम जो चाहे ले सकते हैं? जवाब दे दे अच्छे से, फिर जो चाहे वो ले ले, ये मिक्सर ले ले, तवा ले ले, गैस ले ले। जानवी जी आपकी आवाज अपुन को येड़ा बना देती है। भाई येड़ा नहीं बोलने का भाई, ये तो खाली पीले अपने को टपोर ही समझेंगे वो। ये प्रोफेसर लोग जो बोलेंगे ना बिल्कुल वो ही बोलने का। ए फोन निकाल, फोन निकाल। हां भाई, नंबर लगा चल 2226688, और रीडायल पे रखने का। जैसे भाभी ने सवाल पूछा ना वैसे ही बटन दबा देने का, किसी और का फोन लगना इसलिए मांगता है। ये तेरी तो तू क्या कर रहा है इधर? शादी अभी तक की नहीं, सच बात तो ये है जानवी जी कि कोई जमी नहीं। भाई आ जाओ, ये आलम वॉल्यूम बढ़ा दे। हर कॉलर से मैं तब तक सवाल पूछूंगी जब तक कि वो कोई गलत जवाब ना दे, और हाँ जिसने भी 10 सही जवाब दिए वो होगा हमारा विनर। सब अपने अपने फोन के पास तैयार रहे, नंबर है 2226688। मेरा पहला सवाल, गांधी जी को साउथ अफ्रीका में उनके दोस्त किस नाम से बुलाते थे? लग गया भाई। सवाल खत्म होने से पहले ही पहला कॉल। हेलो हेलो, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। हेलो हेलो, तेरी तो ये वाला लगा था भाई, वो दिखा रहा क्या? फोन दे। हेलो हेलो, हू इज दिस? अपन मुरली प्रसाद शर्मा। सो मुरली, व्हाट्स द राइट आंसर? भाई हां बोल भाई। भाई अरे बोलना भाई। भाई अबे तेरी तो दूर के रख। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में उनके दोस्त भाई कहकर संबोधित करते थे। आपके पास सिर्फ 10 सेकंड है मुरली। Are you sure? सोच के बोलिएगा। बिल्कुल नहीं तो ये भाई लोग तेरे को नहीं छोड़ेंगे। 100% श्योर। हेलो हेलो, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भाई के नाम से संबोधित किया जाता था। well, that's a
आंसर. कांग्रेचुलेशंस. अब मैं आपसे तब तक सवाल पूछूंगी जब तक कि आप कोई गलत जवाब ना दे. उसका कोई चांस नहीं है जानवी जी. दूसरा सवाल, गांधी जी के कितने बच्चे थे और उनके नाम क्या थे? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी. अरे वो बड़े बेटे का नाम था हरिलाल. हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास. कुकर मंगता था हरिलाल. कुकर मंगता था ना मणिलाल. रामदास. रामदास, देवदास और देवदास. Wow, that's absolutely right. Thank you, thank you. अब तीसरा सवाल, गांधी जी के पास ऐसे कौन से हथियार थे जो हिटलर के पास नहीं थे? स्त्री. स्त्री? Are you sure? अरे सत्य और अहिंसा. ए, स्त्री देना. सत्य और अहिंसा. Well done, मुरली. गांधी जी ने जब शादी की तो उनकी उम्र क्या थी? 13 साल. 13 साल. 13 years. ए, समाल ना. कस्तूरबा भी 13 साल की ही थी. भाई और भाभी दोनों 13 साल के थे जब उनकी शादी हुई थी. लाइफ का ट्रेजेडी देख यार. अपना भाई साला अभी तक कुंवारा है. अरे ये शोर कैसा है? हट हट छोड़. मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, जरा नाराज हैं. बोल रहे हैं कि भाई की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी. तुम भी कर लो. ये जो कुछ भी हो रहा है सब गलत हो रहा है. चुप. ठीक नहीं है. मैं पुलिस को बुलाऊंगा. मैं ये होने नहीं दूंगा. ये नोटबुक. बोल तेरा नाम क्या रे? प्रोफेसर वेंकटेश वट्टिकुट्टी. देख रहे वट्टिकुट्टी, लाइफ में ना एक दूसरे का हेल्प करना मांगता है क्या? अभी तेरे पास बापू का फुल टू इन्फॉर्मेशन है, अपने पास नहीं है. इसके तो चाहिए ना मेरे को, है कि नहीं? अभी तेरे को कभी शकी लेड़ा, दगड़ू दादा, अफजल टोंडा, इन लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपने आगे पूछना. अपन ना नहीं बोलेगा कसम से. अरे ज्ञान बांटना चाहिए रे. तू क्या अपने पास रखे सड़ा रहा है? ये गलत है. मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा. मैं पुलिस को बुलाऊंगा. कपड़ा गीला करना जरा. ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो. ये गलत बात है. भाई जीत गया. और इस साल हमारे पहले ही कॉलर मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा ने ये कॉन्टेस्ट जीत लिया है. क्या बोलने का जानवी जी, अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है. तो मुरली कल आपसे मुलाकात होगी स्टूडियो में. मैं आपसे मिलने को बहुत ही उत्सुक हूँ. बोले तो अपन भी. गुड बाय मिस्टर शर्मा. गुड बाय जानवी. ये इंक्वायरी, भाभी जी किधर है? भाभी जी? बोले तो जानवी जी, माय सेल्फ मुरली प्रसाद शर्मा, कॉन्टेस्ट विनर. फर्स्ट आला, फर्स्ट फर्स्ट. ओह, शी इज वेटिंग फॉर यू ओवर देयर. हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है. कौन बोल रहे हैं आप? अरे मैं मुरली प्रसाद शर्मा. Can't hear you. आप कहां से बोल रहे हैं? अरे इधर से बोल रहा हूँ, बाहर से. जी मैं चेंबूर से बोल रही हूँ. ओके, सो कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी? एक लड़की को देखा तो. ऑलराइट माय फ्रेंड फ्रॉम चेंबूर, योर सॉन्ग्स कमिंग अप राइट आफ्टर दिस कमर्शियल ब्रेक. ये सर्किट. हाँ, चल निकल इधर से. भाई क्या हुआ भाई? आप उनको नहीं मिलने गए और उसको. पर काय को भाई? वो क्या है कि अपना फर्स्ट इंप्रेशन है ना, एकदम रॉन्ग हो गया यार. वो साउंड प्रूफ कांच के आगे साला अपन हलो हलो बोल रहा था. वो सोच रही होगी कि अपन कितना बड़ा मामू है यार. भाई मामू नहीं बोलेगा भाई. हाँ? आज का दिन खाली बापू बोलेगा, बापू. ये तीर तो लीकेज. चल भाग यहाँ से, भाग. अटैच है ना, चल भाग जाके घर. बाहर छाड़ के नहीं जाए. चल इमरजेंसी मीटिंग चलो. चल वाट लग गया यार अपना. क्या हो गया भाई? भाभी क्या दिखने में अच्छी नहीं है? अरे नहीं रे, क्या दिखती है वो? ये बड़ी बड़ी आंखें और वो क्या बोलते हैं, वो जो बाल ऐसा जो गाल पे आकर गिरता है. शेंडी? नहीं रे, लट लट बोलते भाई. हाँ, लट लट, लट, लट. वो साला एक लट इधर गाल पे आकर हिल रहा था, प्यार से टच कर रहा था गाल को यार. फिर फिर ना उसने अपनी उंगली से वो लट को उठाकर अपने कान के पीछे. हाँ, अपुन तो उधर ही बैठ गया साला.
क्या भाई तुम क्या कम है किसी से? तुम भी किसी के कान के नीचे एक हाथ मारता तो वो भी बढ़ जाता ना भाई। टेंशन नहीं लेने का, फुल कॉन्फिडेंस में जाने का और एकदम विनम्र के साथ बात करने का। ये साला विनम्र कौन है? विनम्र हिंदी में बोले तो पोलाइट। वो प्रोफेसर बोला मेरे को भाई, उसने बोला कि बापू ने ना विनम्र के साथ बहुत बड़े बड़े काम किए। तेरी तो थोड़ी देर रोक सकता है क्या तू? देख अपुन तेरे को फुल विनम्र के साथ रिक्वेस्ट कर रहा है, थोड़ी देर के लिए रोक के रख, हम लोग की मीटिंग की काय को वाट लगा रहा है। अपुन भी बोले तो क्या विनम्र विनम्र करता है कि विनम्र के साथ काम होता मेरे को मालूम है। चल आगे बोल। अच्छा और भाई अपना हिंदी है ना थोड़ा संभाल के बोलने का, जैसा अभी बोलने का ना कि अपना देश का वाट लगे ली तो बोलने का कि देश की दुर्गतियों के लिए। और भाई ना भारी भारी वोट फेंकने का, जैसा हृदय परिवर्तन हाँ। आत्मा संतुलन ऐसा। और बोल। और भाई बापू के बारे में ना एकदम कम बात करने का। अभी क्या बापू के बारे में आप लोग कुछ मालूम नहीं है ना, अभी तो वाट लग जाएगी ना, वो दुर्गति हो जाएगी दुर्गति। तो बापू के बारे में तेरी होने में। तुम मुरली प्रसाद शर्मा हो? अपुन विनम्र है। तो मुरली प्रसाद शर्मा कौन है? अरे अपुन है। तो विनम्र कौन है? अरे तेरे को कौन मानता है? मुरली प्रसाद शर्मा जानवी मैडम से ढूंढ रही है। तो बाजू हटना मामो। क्या मतलब कर रहे हैं? ए रेडियो चल के रेडियो बाहर आ रहा है। गुड मॉर्निंग मुंबई, वेलकम बैक टू योर फेवरेट शो। और आज हमारे स्टूडियो में है मिस्टर मुरली प्रसाद शर्मा। आप गांधी जी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जानते हैं? बोले तो अपन बापू का बहुत बड़ा फैन है। क्या आदमी था वो? अकेला लाठी दिखाकर अंग्रेजों को बोला आउट, मतलब वाट लगा दिया उनका। वाट नहीं दुर्गति दुर्गति। व्हाट अ मैन, क्लास है। ये साडा मुन्ना तो नहीं है? हाँ जी। वाज बढ़ा दे। पर क्या आपको नहीं लगता कि लोग आजकल उन्हें भूलते जा रहे? बिल्कुल नहीं। आज भी उनके ऑनर में 2 अक्टूबर को ड्राइडे रखते। अगर ड्राइडे नहीं भी होना तो भी अपन दारू को हाथ नहीं लगाते। नो जोक्स अपार्ट, क्या आप उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलते हैं? चलता है ना, अपुन 3 किलोमीटर रोज चलता है महात्मा गांधी रोड के ऊपर। मेरा मतलब है कि आप उनके आदर्शों पे चलते हैं। टोटल अपुन क्या एक बोले तो गांधीगिरी में नंबर 1 है। यू मीन आप गांधीवादी हो, राइट? टोटल। और आप? मैं नॉट रियली, पर मुझे उनकी कुछ कुछ बातें अच्छी लगती हैं। जैसे? जैसे मैं कभी झूठ नहीं बोलती। तो आपके और मेरे विचार बहुत मिलते हैं, अपुन को रेगुलरली मिलना चाहिए ना। आप कभी झूठ नहीं बोलते? You never lie? एक टाइम बोला था 92 में, कह के एक बच्चे का अठन्नी खो गया था, बहुत रो रहा था, अपुन ने उसको अपना अठन्नी दिया और बोला कि तेरा है रख ले। मेरी गल नोट कर, ये पॉलिटिक्स में जा रहा है। अच्छा आप करते क्या हैं? अपुन प्रोफेसर है। प्रोफेसर? हाँ बच्चों को इतिहास सिखाता ना। आई मीन पर आपकी भाषा। अब क्या करेगा, अखे कंट्री की भाषा की वाट बत्तबे के दुर्गति हो गई लिए। प्योर हिंदी साला कोई समझता ही नहीं, बोलेगा कि हृदय परिवर्तन हो गया तो ऐसा लगता है कि साला किसी को हार्ट अटैक आ गया। यू मीन आप जानबूझकर ऐसी भाषा बोलते हैं जो स्टूडेंट्स के समझ में आए? करेक्ट, इसलिए अपने क्लास में सब फर्स्ट आता है, साला सेकंड कोई आता ही नहीं है। Well, अपन भी आज से ऐसे ही बोलेगा। बोले तो तुमको अपने स्टूडेंट्स को कौन सा सॉन्ग सुनाने का है मामू? कोई भी मस्त आइटम नंबर। Fantastic show, really professor. Hope मेरे बच्चों ने सुना। आपके बच्चे? Yes, 6 बच्चे मेरे। भाई, भाई अभी अपन चलते। अपन सरकेश्वर, वो स्टूडेंट है प्रोफेसर साहब का। Alright, बोला बच्चे बैठे ना। बैठ ना बैठ। Meet my children. Cute है ना? ये देख हाँ ये अच्छा। ये सभी आपकी तरह गांधीगिरी में एक्सपर्ट हैं। कौन है ये लोग? मेरे दादाजी के कॉलेज फ्रेंड्स, जिनकी भी अपने बच्चों से नहीं बनती, दादू ने घर ले आते हैं। ये आपके घर में रहते हैं? दादू ने घर का नाम ही सेकंड इनिंग्स होम रखा है। उनका कहना है कि दोस्तों लाइफ का लास्ट ओवर है, फ्रंट फुट पे खेलो। करेक्ट। मस्त है तुम्हारा दादू, मिलना मांगता उसे। एक्चुअली क्या आप उनके लिए गांधी जी पर लेक्चर दे सकते हैं? गांधी जी पे लेक्चर? Yes, they love it. How about Friday? कॉलेज जाने का? तो फिर सैटरडे? ट्यूशन है ना? So Sunday. That's great. So I'll see you on Sunday.
I have to rush now. मेरा सातवां बच्चा आ जा रहा है. Okay, bye. See you. Thank you.